मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 5 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो, और उत्तर में बाबा कहते पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है, पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है, पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है, घर बार का संन्यास नहीं करना है। मुरली का गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं क्या कि इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? पांच विकारों रूपी रावण द्वारा। और अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो तुम माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता तो घर जैसे सोना लगता है, और अब यह दुनिया सुनी सुनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते हैं कि मैं तो माताओं का गुलाम हूँ, क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थी। उनको कहा जाता है कि हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परमपिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है त्वमेव माता च पिता तमेव। सब कुछ एक है, और हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है ना। ये बाबा कहते बात तो इस समय की है मेरे लिए, मैं पतियों का पति हूँ। बाबा कहते वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो, और यह पति भी अमर है, अमरनाथ है ना। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है, मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने वह खुशी कहाँ से लाई? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख खुश मिजाज बनाया था। अभी पुरुषार्थ करना है तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाप कहते हैं रोने की बात ही नहीं है, वह ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम जो वर्षन सुनते हो वह एक एक वर्षन लाख रुपए का है। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यह एक एक वर्षन लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम हरेक रूप बसंत हो। आत्मा रूप है ना, और बाप भी है रूप, फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा कराने वाला है, स्थूल पानी की बात नहीं, इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। हरेक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्य को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पापात्मा पुण्यात्मा, पापात्मा पुण्यात्मा नहीं कहते हो। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं,
माया पापात्मा बनाती है और पाप पुण्यात्मा बनाते हैं। पुण्यात्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पापात्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाला सदगति दाता एक ही पाप है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो, तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। बैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, वह तो है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है बैकुंठ, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो क्या कि हम बैकुंठ में जाते हैं? वह जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं। तुमको तो बैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है, वहां रोने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं, तुम परमपिता परमात्मा की सज्जनी क्यों रोती हो? शायद साजन को भूल जाती हो, और साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात ही नहीं। बाकी किसी का संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी ले रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि बैकुंठ में जाते हो, यहाँ तो रोने की दरकार ही नहीं। बाबा ने कहा है कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? ये ज्ञान का। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करें किसका ना करें, इतने सब मरेंगे तो कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे कि फिर किसने क्रियाक्रम किया? क्रियाक्रम करने वाले भी मर जाएंगे। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। सत्युग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहां तो अथाह सुख है। मोहजीत राजा की कहानी भी वहां की है। तुमने जन्म जन्मांतर ये कथा सुनी है। अब बाप कहते हैं, जो कुछ सुना है वह भूल जाओ, अब सब बाप से सुनो। हियर नो इवल सी नो इवल। और उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है। टॉक नो इवल सी नो इवल, क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर हैं। जो सुनाओ सत सत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे ग्लानी की बातें मत सुनो, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाप को तो जरूर आना ही है, तभी तो नॉलेज दे। मनुष्य कहते कि ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, बाबा कहते बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारा ये 84वां जन्म अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं, ये प्राय लोप हो जाते हैं। वहां तो राजाई स्थापन हो जाती है, तो राजयोग की दरकार ही नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते और मनुष्य क्या कहते हैं, रात और दिन का अंतर है ना। बाबा की बातें और दुनिया की बातों में क्या है, कंट्रास्ट है, पूरा रात और दिन के जैसा इतना अंतर है। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते हैं नहीं। तो कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है दुनिया वालों ने, है ना। तो अब मीठा बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत मीठा बनो, तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां अंगुली दिखाइए, पर्वत की कितनी पूजा होती है। भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती, तो ये अंगुली है तुम्हारी निशानी, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, जैसे अंगुली देना है भारत को सेल्वेज करने के लिए। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है, पवित्रता नहीं है तो देखो भारत का क्या हाल है। मेहनत है ना, सन्यासी कहते आए कि आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, शास्त्रों में ऐसा है। परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो क्या कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं? सन्यासियों को श्रीमत थोड़ी मिलती है, हम तो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, उनको मिलती है शंकराचार्य की मत और तुमको शिवचार्य की मत।
तुम शिवाचार्य के बच्चे हो ये कोई नहीं जानते। कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना, वह शंकराचार्य है सन्यासी, बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं। और श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता, शिव का पता ही नहीं, वह बाप को जानते ही नहीं है, सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो, तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठ योग सन्यासी और हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी, तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो। तो बाबा कहते, तुम हो रजोगुणी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही हैं द्वापर में, तुम्हारा है हठ योग कर्म सन्यास। वास्तव में कर्म सन्यास तो होता ही नहीं है, अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहें। बोलो अच्छा, अपने को इन ऑर्गन से फिर डिटैच कर दो। परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा, डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है शांति, और हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, और फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, यह है टॉकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा ने जास्ती देखा है, मामा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई, ज्ञान में कितनी तीखी चली गई, यह ध्यान की आश भी नहीं रखनी चाहिए। मामा देखो बिगर ध्यान के कितना नंबर आगे लेती है, और पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण इनके लिए लिखा हुआ है। अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ, इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं, और इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है, इस रथ माना ब्रह्मा को भी नॉलेज उनसे मिलती है। ये खुद भी तो गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे, और अब वंडर लगता है कि शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए नहीं देखो, बस हम तो जाते हैं बाबा के घर स्वीट होम। जब तक गाइड अथवा लिबरेटर ना आए तब तक कोई जा ही नहीं सकता। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही बाप है, दुखों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सुप्रीम सोल, निराकारी दुनिया है आत्माओं के रहने का धाम। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं, तुम्हारा 84 जन्म का पाठ अविनाशी है, यह कब मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है, सत्य को नई सृष्टि कहा जाता है, अब है पुरानी सृष्टि, बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाप आते ही हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने, सृष्टि तो है ही है, 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं, फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए हैं, नाम ही हिंदू रख दिया है। पाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, शंकर द्वारा विनाश, और फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुख है, सुखी हैं, वहां सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं वह सूर्यवंशी बनेंगे, कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा, दास दासी आदि तो बहुत चाहिए ना। तो बाप ने समझाया है कि योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है, तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियंस को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता है। वह बंदर की कहानी है ना, कि श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है, तो विश्व की राजाई का माखन आता है ना, तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाप कहते हैं कि मैं स्वर्ग रचता हूँ, तुम बच्चों का भी यही धंधा है, और बच्चे फिर बाप के बन स्थापना में मदद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है, जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। बाबा ने आज वरदान दिया कि यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।